हम भारत के मूल निवासी हैं। भारत के मूल निवासी कौन है? एसटी एससी ओबीसी, और इसी एसटी एससी ओबीसी से धर्म परिवर्तित लोग, जिसमें मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, लिंगायत भी है और सरना भी है। आदिवासियों का धर्म सरना है, हमारा धर्म इस्लाम है, और ये मूल निवासी के एकता और आजादी की लड़ाई है। क्या है? मूल निवासी की एकता और आजादी की लड़ाई है। हम इस लड़ाई को देशव्यापी बनाएंगे, और जगन्नाथपुर से ये लड़ाई आज शुरू हुई है। बगैर किसी तमीज के जो लोग इंग्लैंड पे बैठे हुए हैं, ये हमसे हर मामले में आगे हैं। बात तो हमें सालकन सर, कामले साहब, ये जो लोग हैं, इनकी सुनना है, लेकिन थोड़ी सी बात जो हमारे जहन में है वो हम आपके सामने रख दें कि देश, हम कहते हैं हम आजाद हैं। हम आजाद कहाँ हैं? क्या जुडिशरी हमारे कब्जे में है? क्या मीडिया हमारे कब्जे में है? क्या ब्यूरोक्रेसी हमारे कब्जे में है? क्या हमारी सुनी जाती है? हम वोट बैंक बने हुए, वोट बैंक बने हुए, और ये देश जो आजादी आज हमें कहा जाता है, ये आजादी झूठी है। जो कहते हैं ना, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और इस देश में जो आजादी का आंदोलन हुआ, जिसको हम सो कॉल्ड आजादी कहते हैं, जो आरएसएस के लोगों ने हमें किताबों में लिखकर पढ़ाया कि 1947 को जो अंग्रेज चले गए, लेकिन एक विदेशी जो आज भी इस देश में राज कर रहा है, उस विदेशी को हमको पहचानना होगा। ये जो मूल निवासी है तो विदेशी कौन है यार? इसका मतलब विदेशी भी होंगे ना यार, तो हमको विदेशी को पहचानना होगा, और हमारा टारगेट विदेशी होगा। भारत में जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है, जिसको हम आदिवासी और हो और संथाल के नाम से झारखंड में जानते हैं, इसका इतिहास हमें टूटा फूटा मालूम है, लेकिन एक बात ये मालूम है कि ये कभी भी गुलाम नहीं रही है। न तो ये अंग्रेजों की गुलाम रही, ये सीएनटी एसपीएडी एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, वो भी इसके बीच में नहीं पड़े थे, और इनकी अपनी टेरिटरी को आजाद कर दिया था। आज उसको छीनने का काम किया जा रहा है। मेरा ताल्लुक फुटबॉल के मैदान से रहा है। हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो फुटबॉल में ट्राइबल होते थे। मेरा पूरे देश में भी जाना हुआ है, बहुत सारे मुल्कों में भी जाना हुआ है, लेकिन अगर आप ट्राइबल को देखेंगे तो वेरी ओबीडियंट एंड वेरी सिंपल। इनके अंदर ऑटोमेटिक एक चीज बनी हुई है, इनके अंदर हसद नहीं है, इनके अंदर जलन नहीं है, इनके अंदर कीना नहीं है। ये किसी के माल पे नजर नहीं रखते हैं। मेहनत करके काम करने वाली, पसीना करके खाने वाली कौम है, उसके बाद हमें नक्सलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्सलाइट, नक्सलवाद। और जब मुसलमान पकड़ाता है तो क्या कहा जाता है उसको? आतंकवाद। ये फैब्रिकेटेड स्टोरी बना के हमारे माथा पे डाल दिया जाता है, और विनोद सिन्हा को छोड़ दिया जाता है, संजय चौधरी को दुबई छोड़ दिया जाता है, और मुल्क में आता है वापस चला जाता है, और मधु कोड़ों को फंसा दिया जाता है। हमारे लोग उसकी चंगुल में है, और यहाँ थोड़े से मुसलमान बुद्धिजीवी यहाँ पे मौजूद है। हम उन बुद्धिजीवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो जिन लोगों को 50-100 की तादाद में है, लेकिन वो नमक का काम करेंगे। चावल है ना, चावल, चावल में बगैर नमक के अगर बना दे तो बहुत खाना मुश्किल हो जाएगा। कम है, लेकिन हाँ, कुरहान के जिम्मेदार लोग यहाँ पे मौजूद है, मास्टर साहब है, हमारे सारे आलिम हैं, और बहुत सारे लोग मंजगांव से भी आए हुए हैं, कपूर से भी आए हुए हैं, धनबाद से, नौ मंदिर से भी आए हुए हैं, इवन छतरपुर से भी लोग आए हैं, जमशेदपुर से भी लोग आए हैं। तो हम अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करेंगे कि हम भारत के मूल निवासी हैं, और इन ट्राइबल के साथ हमको मिलकर पूरे इस झारखंड में ये जो सिंगल अभियान है, इसको मुल्की सत्ता का आंदोलन बनाना है, और हमारे साथ पूरे मुल्क का जो जमीन की टीम है वो हमारे साथ है। हम हल्के नहीं है, हम हल्के नहीं है, और सालकन सर को सैल्यूट करता हूँ, जो अकेले मियां बीवी को, जो अपनी गाड़ी में राशन लेकर जो इस आंदोलन को खड़ा किया, और हमारे जैसे बेचारों को बना बनाया आंदोलन ला के दिया। और जो बुद्धिजीवी मुसलमान यहाँ पे खड़े हैं, वो अपने जहनों में बना ले कि हमें जालिम का साथ देना है या मजलूम का। अगर हम मजलूम का, जालिम का साथ देंगे तो हमारे ऊपर हालात आएंगे,
हमने इन मजलूमों का साथ देख दिया। मजलूम कौन है? मजलूम है हमारे ट्राइबल भाई मूल्यवासी है जो सीधे साधे हैं और हमसे कोई तरह की चीज भी नहीं मांगते हैं। तो हमें ये सोचना होगा और हमें आगे अपने अजायम को लेना होगा और एक इरादा बनाना होगा। इस देश में जो आंदोलन है, पहला आजादी का आंदोलन बिरसा मुंडा ने चलाया। कितने साथियों को हमको क्या रखाया गया? मंगल पांडे, हमें सलीमा बना के भी दिखाया गया, किताबों में भी दिया गया और हम उसे गाय चल रहे हैं। बिरसा मुंडा की शक्ल में पहला आजादी का आंदोलन जो अंग्रेज से लड़ रहे थे वो बिरसा मुंडा लड़ रहे थे, तिलका मांझी लड़ रहे थे, लिख के क्या बताया गया? मंगल पांडे जो विदेशी लोग हैं, ये आर्यंस है, इनका नाम हमें हटाया गया है और किताब लिखने वाले भी वही लोग हैं। तो हमें दोस्त और दुश्मन को पहचानना होगा, क्यों हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। और जो मुसलमान यहाँ पे जमा है वो पूरे कल्हान से उन्होंने फैसला ले लिया है और सारे बुद्धिजीवी चकंदरपुर, खरपोश, जगन्नाथपुर, चाईबासा, ये जमशेदपुर, ये सारे बुद्धिजीवी उलमा जो बुद्धिजीवी है उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम तन मन धन से झारखंड सरकार ने जिस आंदोलन में खड़ा किया इसे हम जिंदा रखेंगे, झारखंड की हुकूमत बनाएंगे और मुल्क की हुकूमत बनाएंगे। कौन कौन साथ देगा इसका? सारे साथी का साथ देना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। और एक बात छोटी से हम ये कह दें कि देश में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सीएम नहीं है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सीएम नहीं है। पहले छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया को बनाओ, झारखंड में छत्तीसगढ़िया को बनाया और छत्तीसगढ़ में यूपी वाले सावन को बनाया गया। ये आरएसएस की चाल इसको हमको समझना होगा। राज हमारा, मुख्यमंत्री भी हमारा, इस स्टेट का मुख्यमंत्री ट्राइबल होगा और हम मुसलमान उसका बगैर किसी वादे के सपोर्ट करते हैं। हम झारखंड के साथ साथ पूरी पूरी अपनी ताकत के साथ पूरे झारखंड के मुसलमान हम झारखंड मुन्नों का साथ देंगे। बहुत ज्यादा हमें नहीं कहना है, आपने हमें सुना और हमारी बातों को सुना और हमें मौका दिया, इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। और बाकी वक्त का पूरी बात आपको बताएंगे। अभी हमारे बीच डीएम कांबले जी